ये आप देख सकते हैं, आज हमारे पास इप्सन का L4260 प्रिंटर आया हुआ है जो कि वाईफाई में है। ये कमर्शियल प्रिंटर है और डोमेस्टिक भी इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रिंटर, लेटेस्ट में है ये। इसमें अभी हमने पेपर लगा के अभी कमांड दिया है, आप उसके बाद देखोगे आप, ये हमने जिसके केबल से हम कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के बाद अभी इसका डिटेक्शन आया और अब हम इसको कमांड देंगे और थोड़ी देर में आपको प्रिंट आउट दिखाएगा किस तरह का प्रिंट आउट आ रहा है या हीरा आ रहा है जो भी चीज़। अभी जो ये प्रिंटर है ये रेडी मोड पे है, इसके जो पैनल है इससे शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। अभी हमने कमांड दे दिया प्रिंटिंग का, यहाँ से सिस्टम से मैं कमांड दे दिया, अभी ये इसका प्रिंट आउट निकलेगा। अभी आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें जो मैटर है ये जब आप देख सकते हैं कटिंग आ रही है इसमें, इसकी क्वालिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है। ये हर एक प्रिंट में, हर एक सेंटेंस में जो है कटिंग ही कटिंग है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे प्रिंटर में, जी जो लिक्विड फॉर्म में जो टैंक पेस्ट होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम जो ज़्यादातर ही हेड की वजह से होती है, जो हेड लगे होते हैं जिनसे टैंक के थ्रू उस हेड में इंक जाती है और उस हेड के थ्रू ये पेपर पर प्रिंट होता है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हेड का ही होता है। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक कंडीशन जो होता है उन्हें हम रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने में होता है क्या, हेड निकाल के उसके जो ब्लॉकेज होते हैं उन्हें हम केमिकल में डाल के उसे क्लीन करते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए और ब्लॉकेज ख़त्म हो जाए, ताकि वो रिपेयर हो जाए और सही से प्रिंट करे। अगर इतना करने के बाद भी वो रेडी नहीं हो पाता, प्रिंट सही नहीं आता है, तो हम उस हेड को ही रिप्लेस कर देते हैं।